Hello dear students, a very warm welcome to the English class. I'm sure you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children, so that you stay happy and healthy. This is our English class students and we are doing unit 14 in grammar. I started this unit in the previous class. So today we will continue with this unit only, and this the name of the unit is in, on, under, behind. Okay, these words, as I have already explained, these words are known as prepositions. In words ko hum kya bolte hain, inhe hum prepositions bolte hain. Common language mein you can say they are the पोजिशन वर्ड्स. प्रपोजिशन को पोजिशन वर्ड्स बोलते हैं बिकॉज दे टेल अस द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग. किसी भी चीज की, किसी एनिमल की, किसी पर्सन की, किसी प्लेस की हमें पोजिशन बताते हैं. सो दीज वर्ड्स आर नोन एज पोजिशन वर्ड्स. ग्रामर में इन्हें हम बोलते हैं प्रपोजिशन. दीज वर्ड्स आर known as prepositions in grammar. Okay, in the previous class I explained kiya tha ki prepositions kya hote hain. Wo hame kisi bhi jagah cheez ki position batate hain. This is clear now, and we have done position words in previous, in one of the lessons also in main course book. So I think it is clear to everyone. In this unit we are talking about only four position words, four prepositions, that is in, on, under and behind. Apart from these prepositions there are more also. Inke alawa aur bhi prepositions hain, aur bhi position words hain, theek hai, but we are concerned only with these four. Abhi hum अपने इस यूनिट में हमको सिर्फ ये फोर प्रीपोजिशंस के बारे में हमें पढ़ना है. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट अभी हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना है. एज यू गो टू हायर क्लासेस यू विल कम टू नो अबाउट देम ऑल्सो. आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, और अगर आपको मैं बताऊंगी तो यू विल रियलाइज कि यस, ये भी तो पोजिशन वर्ड है, ये भी तो प्रीपोजिशन है. बट इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दीज फोर प्रीपोजिशंस. तो जैसे मैंने बताया था, इन मतलब किसी चीज के अंदर, ऑन ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, अंडर मतलब नीचे, एंड बिहाइंड मतलब पीछे. सो दीज आर द फोर पोजिशन वर्ड्स इन दिस लेसन. एग्जाम्पल्स भी हमने देखा था. नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज. First exercise on page number 54. We have already completed. इस exercise में हमने क्या किया, the pictures are given और वो picture को देख करके accordingly you have to write the correct preposition. Picture को देख करके correct preposition हमें लिखना था, ठीक है, कि whether it will be in, on, under, behind. ये हो गया था. Now we will start with एक्सरसाइज नंबर टू. हम सेकेंड वाली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. व्हेन द पिक्चर इज गिवन, इफ द पिक्चर्स आर गिवन, देन इट इज इजियर टू फाइंड द आंसर. तब इजी हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, बिकॉज पिक्चर देख करके आप समझ सकते हो कि वेदर द पोजिशन इज इन साइड समथिंग. मतलब किसी भी, जिस भी चीज के हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज अ पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग, एनी एनिमल, किसी की भी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है, अंदर है, किसी चीज के ऊपर है, पीछे है या नीचे है, कहाँ पर है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो जब पिक्चर बनी हुई है, जैसे लाइक फर्स्ट पिक्चर वी कैन वेरी इजिली सी दैट द टॉयज आर केप्ट ऑन द टेबल. टॉयज कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन होगा माई टॉयज आर ऑन द टेबल.
सेकेंड पिक्चर में भी वी कैन सी दैट द पिलोज आर केप्ट ऑन द बेड. पिलोज की पोजिशन क्या है? बेड के ऊपर. तो करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे कौन सा यूज होगा? देर आर टू पिलोज ऑन द बेड. थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि पिक्चर में एक हमें वी कैन सी अ बुश, एक झाड़ी दिख रही है और उसके पीछे एक लायन दिख रहा है. तो लायन की पोजिशन क्या है? इन दिस पिक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ द लायन. तो लायन की पोजिशन क्या है? लायन की पोजिशन पेड़ के पीछे है. ओके, इन द फोर्थ पिक्चर यू कैन वेरी इजीली सी दैट द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द शूज. फोर्थ पिक्चर में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो शूज है वो बेड के नीचे रखे हुए हैं. ओके, दैट मींस द शूज आर अंडर द बेड. फिफ्थ पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? हम एक अलमीरा देख सकते हैं और अलमीरा के अंदर हम कपड़े रखे हुए देख सकते हैं. So we can very easily say that I keep my clothes in the almira. Correct answer yahan pe kya hoga? In the almira. Because we can see the clothes in the almira. Okay? So when the picture is given, jab koi bhi picture di hui hai, tab to hum bahut easily identify kar sakte ki yahan pe kaun sa preposition use hoga. When the picture is not given, then also it is not difficult. अगर पिक्चर नहीं दी हुई है तभी भी आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि विच प्रीपोजिशन विल बी यूज, बिकॉज प्रीपोजिशन जो है वो हमें पोजीशन बताते हैं. तो कोई भी चीज कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, बाहर है, आराम से बता सकते हो. सो वी विल स्टार्ट सेकेंड एक्सरसाइज टूडे एंड द सेकेंड एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इन दिस एक्सरसाइज with each blank two prepositions are given, two options are given, you have to choose the correct option and then fill in the blank. dono mein se correct option ko choose karke is blank ko fill up karna hai. theek hai, so second is choose the correct options and fill in the blanks. With each blank two options are given. दोनों दो मतलब हर एक blank के लिए two options है. आपको दोनों में से correct option को choose करना है और blank को fill up करना है. ठीक है, the first one is birds fly dash the sky and the options are in, oblique, behind. चिल्ड्रन आई होप एवरी वन हैज गॉट द बुक. सबके पास ग्रामर बुक है एंड एवरी वन हैज ओपन पेज नंबर 54. और आप मेरे साथ साथ जैसे मैं बोर्ड पे कर रही हूँ कीप ऑन डूइंग इन योर बुक. ठीक है, जैसे मैं बोर्ड पे कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ आप अपनी बुक में करते चलोगे. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज बर्ड्स फ्लाई डैश द स्काई एंड options given are in and behind. Now you know the meaning of in and you know the meaning of behind also. In का मतलब क्या होता है? एक तो होता है in का मतलब अंदर भी होता है और in का मतलब में. जैसे चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया आसमान में उड़ती है. एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? एरोप्लेन आसमान में उड़ता है. ठीक है, तो एक तो हम बोलते हैं माय clothes are in the cupboard, my books are in my school bag. ठीक है, I keep my clothes in the almira, I keep my clothes in the cupboard. तो यहाँ पे in मतलब अंदर. Now here birds fly, यहाँ पे correct option क्या होगा? Correct होगा birds fly in the sky. Okay,
अभी यहाँ पे इन का मतलब अंदर नहीं है, बर्ड्स आसमान के अंदर तो नहीं उड़ती है ना, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स आसमान में उड़ती हैं, ठीक है। बिहाइंड तो नहीं होगा, बिहाइंड माने पीछे, तो बर्ड्स फ्लाई बिहाइंड द स्काई, स्काई के पीछे तो नहीं उड़ती है बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सो करेक्ट ऑप्शन इज इन, बट देन यू मे से कि मैम आपने तो बताया था कि इन माने अंदर। अगर हम एकदम अंदर की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज के अंदर, तो हम इनटू बोलते हैं। जैसे हम अपने कपड़े अलमारी में रखते हैं, अगर आप हिंदी में बोलोगे तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि हम अलमारी के अंदर रखते हैं, हम अपने कपड़े अलमारी में रखते हैं। अब मेरी बुक्स बैग में है, हम में बोलते हैं, तो में माने इन, ठीक है ना। रैट, जैसे इसके पहले हमने एग्जाम्पल में देखा द रैट इज इन द बॉक्स, रैट बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो में यहाँ पे इन का मतलब अंदर भी है और आसमान में, अलमारी में, बैग में वो भी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स कहाँ उड़ती है, आसमान में उड़ती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इन, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड इज अ स्नेक इज क्रीपिंग, सी आर ई पी आई एन जी, क्रीपिंग डैश द बेड, एंड द ऑप्शंस आर अंडर ऑब्लिक इन। क्रीपिंग मतलब, क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना, जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंगते हैं ना, क्रीप, क्रीपिंग एनिमल्स। अ स्नेक इज क्रीपिंग डैश द बेड, स्नेक कहां पे क्रीप कर रहा है, स्नेक बेड के अंदर तो क्रीप नहीं करेगा, अंदर तो नहीं रेंगेगा। स्नेक अगर आएगा रूम में तो बेड के नीचे ही आएगा, या क्रीप करके, रेंग करके बेड के ऊपर आ जाएगा। वी हैव अंडर एंड इन, यहाँ पे हमारे पास टू ऑप्शन है, अंडर एंड इन। अंडर मतलब नीचे, इन मतलब उसके अंदर, तो बेड के अंदर तो नहीं क्रीप करेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज अंडर, बेड के नीचे, और स्नेक इज क्रीपिंग अंडर, अंडर द बेड मतलब बेड के नीचे, ठीक है। थर्ड इज नाउ द थर्ड वन इज डोंट थ्रो गार्बेज डैश द फ्लोर। थर्ड वन इज डोंट थ्रो GARBAGE garbage the floor, and the options are in, on। garbage का मतलब होता है कूड़ा, throw माने फेंकना, so don't थ्रो गार्बेज डैश द फ्लोर मतलब फ्लोर पर कूड़ा मत फेंको। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो फ्लोर पर कूड़ा मत फेंको। तो यहाँ पे विच वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, डोंट थ्रो गार्बेज इन द फ्लोर और ऑन द फ्लोर। हम जमीन के अंदर तो कूड़ा नहीं फेंकते, कूड़ा फेंकते हैं जमीन के ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होगा, डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द फ्लोर। ओनली टू ऑप्शन आर हियर, इन एंड ऑन। सो इन मतलब अंदर एंड ऑन माने बाहर, तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन वुड बी डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द फ्लोर, ठीक है। ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर पर, जमीन के, फ्लोर मतलब जमीन, तो हम फ्लोर के अंदर तो कूड़ा नहीं फेंकते हैं, फ्लोर के ऊपर कूड़ा फेंकते हैं, तो डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द फ्लोर, ठीक है। ऑन मतलब ऊपर। राइट द आंसर्स इन योर बुक चिल्ड्रन,
आई होप यू ऑल हैव गॉट योर ग्रामर बुक। सबके पास ग्रामर बुक साथ में होनी चाहिए और जब मैं वर्क कराती हूँ तो आप मेरे साथ साथ आंसर्स लिखते चलोगे। ओके नाउ आई एम गोइंग टू रब दीज थ्री। नाउ द फोर्थ वन। Now the fourth one is my grandpa grandpa is sitting dash a chair chair and the options are on oblique behind, which is the correct option? My grandpa is sitting dash a chair. अभी on मतलब ऊपर और behind मतलब पीछे। Chair के ऊपर बैठते हैं हम या chair के पीछे बैठते हैं? We sit on a chair. Chair के ऊपर बैठते हैं हम, chair पर बैठते हैं। ऑन का मतलब है ऊपर या जैसे इन माने अंदर और इन मतलब में, वैसे ऑन माने किसी चीज के ऊपर। द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल एंड ऑन द चेयर मतलब चेयर पर। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडपा जो है वो चेयर पर बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बिहाइंड मतलब पीछे होगा, तो माई ग्रैंडपा इज सिटिंग ऑन अ चेयर मतलब मेरे ग्रैंडपा चेयर पर बैठे हैं। ठीक है, काउ इज स्लीपिंग डैश अ ट्री एंड द ऑप्शंस आर ऑन एंड अंडर। ऑन मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे। तो काउ कहां पे हो सकती है, काउ कहां पे सो सकती है? ट्री के ऊपर तो सो नहीं सकती। ऑन मतलब ऊपर, अंडर माने नीचे, तो ट्री के ऊपर तो काउ सो नहीं सकती है, ट्री के नीचे रह सकती है। तो काउ इज स्लीपिंग क्या होगा, ऑन अ ट्री और अंडर अ ट्री। काउ इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, अंडर। काउ कहां पे सोएगी, ट्री के ऊपर तो नहीं सोएगी काउ वो, या फॉर दैट मैटर एनी एनिमल, कोई भी एनिमल है वो तो पेड़ के नीचे सोएगा। जो एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं, जो पेड़ पे चढ़ सकते हैं वो तो ठीक है, बट जो एनिमल्स नहीं चढ़ सकते वो तो नीचे सोएंगे। तो काउ इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। Sixth one is throw garbage dash the dustbin. Throw garbage dash the dustbin and the options are in and on. क्या होगा, throw garbage द डस्टबिन, कहां पे गार्बेज फेंकना है, इन द डस्टबिन या ऑन द डस्टबिन। इन मतलब अंदर, ऑन माने ऊपर। तो गार्बेज मतलब कूड़ा, कूड़ा हम कहां फेंकते हैं, डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं या डस्टबिन के ऊपर फेंकते हैं? वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं ना, ऊपर तो नहीं फेंकते। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, कूड़ा हमेशा डस्टबिन के अंदर फेंको। वन मोर आई विल राइट, देयर इज अ नेस्ट द ट्री,
इन और ऑन, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री और देयर इज अ नेस्ट ऑन द ट्री। नेस्ट कहां पर होगा, ट्री के अंदर होगा या ट्री के ऊपर होता है नेस्ट? वेयर इज द नेस्ट? सो देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री और ऑन द ट्री, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज देयर इज अ नेस्ट ऑन द ट्री। नेस्ट जो होगा वो ट्री के ऊपर होगा। सो देयर इज अ नेस्ट ऑन द ट्री, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑन, ओके, ऑन द ट्री। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये समझ में आ गया कि हम को कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, हाउ डू वी सी, यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज फोर, तो अकॉर्डिंगली हम फिल कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 55। दिस इज फन टाइम। ऑन दिस पेज यू विल सी अ पिक्चर, ठीक है, इस पेज पे आपको एक पिक्चर दिखेगी। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड। सिंस वी हैव डन ओनली दीज फोर प्रीपोजिशंस, सो हम सिर्फ इनसे ही ब्लैंक फिलअप करेंगे। नो, पिक्चर को देख करके, आफ्टर सीइंग द पिक्चर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली विथ दीज फोर प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये फोर प्रीपोजिशंस से हमको फिल इन द ब्लैंक करना है पिक्चर को देखने के बाद। पिक्चर इज देयर, पिक्चर के नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एंड सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स हैं वो आपको ब्लैंक्स इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ये फोर वर्ड से फिलअप करना है आफ्टर सीइंग द पिक्चर। ओके, सो आई विल रब दिस वन। आई होप यू ऑल हैव रिटन द आंसर, एवरीवन हैज रिटन द आंसर। This is fun time. Okay. The question is, look at the picture carefully. And fill in the blanks with in, on, under, behind. Look at the picture and fill in the blank with in, on, under, behind. And after that you have to color the picture also. Okay, now the first sentence is, children are playing, children are playing dash the garden, dash the garden. Now where are the children playing? बच्चे कहां पे खेल रहे हैं? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग बिहाइंड द गार्डन। आप चारों ऑप्शन यूज करके आप वी कैन चेक द सेंटेंस। ऑन द गार्डन, गार्डन के ऊपर तो खेल नहीं रहे हैं, बिहाइंड द गार्डन भी नहीं होगा, बिहाइंड मैंने पीछे, अंडर भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इन, Children are playing in the garden. बच्चे कहां खेल रहे हैं? गार्डन में खेल रहे हैं। Second is, a child is hiding dash the
ट्री. यू हैव टू सी द पिक्चर एंड देन आंसर. पिक्चर देख करके आपको आंसर बताना है. ठीक है, तो ये पिक्चर में हमको देख के समझ में आ रहा है कि बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. गार्डन में खेल रहे हैं. अ चाइल्ड इज हाइडिंग डैश द ट्री. वेयर इज द चाइल्ड हाइडिंग इन द पिक्चर. यू कैन सी दैट अ चाइल्ड इज हाइडिंग इन द ट्री. नहीं होगा ट्री में तो नहीं छिपा है. ऑन द ट्री नहीं होगा, ट्री के ऊपर तो नहीं छिपा है. बिहाइंड द ट्री. बिहाइंड माने पीछे. वेयर इज द चाइल्ड हाइडिंग. बच्चा कहाँ छिपा हुआ है. द चाइल्ड इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. सो देयर इज अ चाइल्ड हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. देयर इज अ चाइल्ड. अ चाइल्ड इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. ट्री के पीछे एक बच्चा छिपा हुआ है. देन थर्ड इज अ गर्ल इज sitting dash the mat. Now in the picture, where is the girl sitting? Where is the girl sitting? Where do you see the girl sitting? The girl is sitting mat. मतलब जो हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो जमीन पे हम डायरेक्ट नहीं बैठ करके जमीन पे पहले कुछ स्प्रेड करते हैं, तो उसको मैट बोलते हैं. ठीक है, वेयर इज द गर्ल सिटिंग. गर्ल जो है वो मैट के ऊपर बैठी है. सो अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द मैट. ए गर्ल इज सिटिंग ऑन द मैट. ठीक है, द सन इज हाइडिंग डैश द क्लाउड. यू कैन सी द क्लाउड्स इन द पिक्चर. एंड वेयर इज द सन. सन कहाँ पे है. सन क्लाउड्स के पीछे है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा. The sun is hiding behind the clouds. कहाँ पे सन छिपा हुआ है. सन इज हाइडिंग बिहाइंड द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स. Behind, okay. The sun is hiding behind the clouds. Clouds के पीछे छिपा हुआ है. Fifth one is an old woman is taking rest. An old woman is taking rest. Dash the bench. Where is the old woman taking rest? Old woman मतलब एक बूढ़ी लेडी. कहाँ पे बैठी हुई है. We can see an old woman. एक बेंच पे हम देख रहे हैं कि एक old lady बैठी हुई है. So where is the old lady sitting? An old woman is taking rest on the bench. An old woman is taking rest on the bench. Okay? I hope you have written the answers. जैसे मैंने बोला है कि जब मैं वर्क कराती हूं तो आप मेरे साथ साथ आंसर्स लिखते चलोगे. Okay? Three more are there. So I'm going to rub. सारे नहीं रब कर रही हूं. Beginning के मैं just I am rubbing the first and second one. First and second one erase कर रही हूं. Okay. Then sixth is ducks are swimming dash the pond. कहाँ पे swim कर रही है ducks? पिक्चर में आप देख करके यू कैन टेल डक्स पानी में तैर रही है. तो डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड. डक्स जो है वो पॉन्ड में स्विम कर रही है. ओके, डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड. सेवेंथ, बर्ड्स आर फ्लाइंग द स्काई.
वेयर आर द बर्ड्स फ्लाई, वेयर आर द बर्ड्स फ्लाइंग, बर्ड्स कहाँ फ्लाई करती हैं, बर्ड्स आसमान में फ्लाई करती हैं, तो आंसर होगा बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड्स कहाँ फ्लाई कर रही है, बर्ड्स जो है वो स्काई में मतलब आसमान में फ्लाई कर रही है. It is a butterfly, a butterfly is sitting dash a flower. Where do you see the butterfly sitting? बटरफ्लाई इज सिटिंग, बटरफ्लाई एक फ्लावर के ऊपर बैठी है, तो अ बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन अ फ्लावर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हमने कौन सा प्रीपोजिशन क्यों यूज किया है, सबका मीनिंग मालूम है. सो विद दिस यूनिट इज ऑल्सो कम्प्लीट चिल्ड्रन. विद दिस एक्सरसाइज नो यूनिट नंबर 15 इज लेफ्ट विच इज फॉर्मेटिव एक्टिविटीज. In this there are different activities. ठीक है, इसमें अलग अलग activities है. We will start this in the next class. Okay? So today I will stop here, children. Thank you so much.